रिलेटेड कुछ किया था, इट मीन्स जो एरिया लिया था, एक तो लिया था सिंपल वाई की रेस्पेक्ट में, जो सॉरी एक्स की रेस्पेक्ट में जो हमने लिया था वो था वाई डी एक्स लिखिए आप, या इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखिए, ठीक। जो भी कर्व हमें गिवन होगा वह वाई एक्स वाई की जगह पे वहां उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और जो भी लिमिट गिवन होगी ए टू बी वह लिमिट हम यहाँ पे लिख के इंटीग्रेशन कर देंगे। कल एक चीज मैंने और यहाँ पे लिखी थी, एरिया वाई वन माइनस वाई टू भी लिखा था, वाई वन प्लस वाई टू भी लिखा था, दोनों अलग अलग चीज है। वो एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई वन माइनस वाई टू, कॉमन रीजन जब हमें फाइंड करना है वह डिफरेंस में भी हो सकता है, एडिशन में भी हो सकता है, दोनों केस में हो सकता है, वो मैंने इक्वल लगा के लिख दिया था। मैंने भाई आप बात समझ जाओगे मेरी, परंतु कल एक किसी बच्चे ने भेज ही दिया कि नहीं सर ये दोनों इक्वल कैसे कर दिए आपने। मैंने कि इक्वल नहीं किए भाई, मैंने ये तो था अलोंग एक्स एक्सिस, और ऐसे ही यदि अलोंग वाई एक्सिस यदि हम एरिया फाइंड करते हैं, इन केस हम यहाँ पे एक्स डी वाई या एफ ओ वाई डी एक्स एक्स वन माइनस एक्स टू, सिंपली चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स भी लिख सकते हैं, और वाई वन प्लस वाई टू तो वहां आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू, और जो एक्स वन एक्स टू या वाई वन वाई टू की जो वैल्यूज है वह हम उन कर्व से लेंगे। इस पे बेस्ड में पहले एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, फिर आगे की बात अपन करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, मैं यह क्वेश्चन भी लिख देता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब कर्व क्या क्या दे रखा है, देखिए उसने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू फोर। अब पहली चीज तो ये है, जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उस स्टेटमेंट में हम यहां पर पहले एक रफ डायग्राम, अब रफ डायग्राम यदि हम ड्रॉ करें तो देखिए क्या होगा, ये हमारा रफ डायग्राम हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इट मीन्स अलोंग वाई एक्सिस ये आपका पेराबोला बनेगा, वाई इक्वल टू फोर का मतलब वाई इक्वल टू जैसे फोर ये है तो फोर से पास होने वाली लाइन इट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका रफ डायग्राम बन गया, ये वाई इक्वल टू एक्स हो गया और ये कर्व हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये इतना सा काम आपको करना है, और ये काम करने का मतलब है यदि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 1/2 मार्क्स, 5 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, पहली चीज। अब इसमें हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन, तो कर्व और लाइन के बीच का एरिया इट मीन्स ये वाला रीजन हमें चाहिए पूरा। अब इसको आप एक्स एक्स के अलोंग भी निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं आप। अब दोनों ही वे आप यहां पे देखिए क्या क्या होता है, यदि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट है पहले हमें वो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा, इट मीन्स देखिए कर्व क्या था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू फोर, वाई की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो एक पॉइंट तो हो गया हमारे पास में 2 4 और एक हो जाएगा माइनस 2 4, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में माइनस 2 4 और ये हो जाएगा पॉइंट अपने पास 2 4।
तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट भी हमें मिल गया। अब यहां से मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 0। सिंपल ये चीजें आपने की हुई है इस तरह की। अब एरिया हम निकालते हैं यहां पर। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये मैं इसका एक पार्ट का एरिया निकालता हूं, उसका डबल कर दूंगा तो लेफ्ट साइड का एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू, अब लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से लेके 2 तक, 2 टाइम 0 से लेके 2, ये मेरी लिमिट हो गई यहां पर। अब यहां पे मैं वही करूंगा y1 minus y2 dx, अब यहां पे y1 क्या होगा y2 क्या होगा ये चीज देखने वाली है। देखिए पहले मैं इस लाइन का एरिया निकालूंगा, लाइन के थ्रू एरिया निकालूंगा मैं। ठीक है, नहीं पहले मैं x एक्सिस के थ्रू निकाल रहा हूं इसलिए डाउट में मत आइए आप। ट्वाइस टाइम 0 to 2, क्योंकि x एक्सिस पे कहां तक जा रहा है कर्व, 2 तक। ठीक है, 8.2 कैंसिल है, वो अभी देखते हैं कैंसिल है नहीं है, चेक कर लेंगे अभी। 0 से 2 तक ये लिमिट होगी, 0 से लेके 2 तक। पहले मैं इस लाइन का यदि एरिया फाइंड करता हूं तो मेरा पूरा इस रेक्टेंगल का मेरे को एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल कहें तो क्या होगा हमारे पास में, 0 a b c, इस पूरे का एरिया मेरा आ जाएगा। पर मेरी रिक्वायरमेंट तो केवल ये कर्व के अंदर अंदर का एरिया है, तो ये पेराबोला का जो एरिया है, ये वाला एरिया मैं पेराबोला के थ्रू में निकालूंगा, उसको माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए y1 का मतलब तो हो गया यहां मेरे पास में 4, जो लाइन दे रखी है y = 4 से y की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो 4 माइनस y2 मिस हो जाएगा मेरे पास में x2, इट मीन सेकंड जो कर्व है अपने पास में जिसे हम माइनस करेंगे। तो इस रेक्टेंगल में से पैराबोला के थ्रू जो मैं एरिया निकालूंगा, इस कर्व के थ्रू पैराबोला के कर्व के थ्रू जो मैं एरिया निकालूंगा उसको माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग पार्ट मेरी रिक्वायरमेंट है उसका डबल कर दूंगा तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। तो वो डबल हम कर ही चुके हैं dx। अब इसी चीज को ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, इसी चीज को मैं किसके थ्रू निकालता हूं, ये तो था एलोंग एक्स एक्सिस, अब y एक्सिस के थ्रू यदि मैं निकालता हूं तो क्या होगा, एरिया इक्वल टू ट्वाइस टाइम, देखिए कहां तक कर्व जा रहा है मेरा, 4 तक, y इक्वल टू 4 तक जा रहा है, तो 0 से लेके 4 तक। अब वही यहां पे x1 माइनस x2 करने की जरूरत है ही नहीं, मैं इस पैराबोला के थ्रू एरिया फाइंड कर रहा हूं 0 to 4 तक। ठीक, तो x dy, तो ट्वाइस टाइम 0 to 4, एक्स की वैल्यू यहां पे √y, जो पैराबोला के थ्रू मैं निकाल रहा हूं, इस पैराबोला के थ्रू जो मैं एरिया निकाल रहा हूं वो क्या है, उससे एक्स की वैल्यू मैं लिखूंगा तो क्या आएगी, √y dy। अब यहां पे पहले वाले जो x के एलोंग अपन ने निकाला उसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल दीजिए, मैं इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूं उसे, ट्वाइस टाइम 4x - x³/3 और लिमिट 0 to 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप तो ये हो जाएगा 8 8 - 3 16/3 16/3 × 2 32/3। तो इसका तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 32/3 स्क्वायर यूनिट। अब उसका भी एरिया निकालिए आप, ये हो जाएगा 2 तो ऐसे हमारे पास में 2/3 और
वाई रेज टू पावर हो जाएगा हमारे पास में 3/2, पावर आपका 3/2। अब इसमें लिमिट हम पुट करें, लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, 0 to 4, यहां 4 डालिए आप तो 4 और रूट 4 तो ये हो जाएगा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 3। इससे भी ये रिजल्ट आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहां पे तो हमने दोनों एक्सिस के थ्रू हमने यहां एरिया फाइंड कर लिया, परंतु कुछ केसेस में ये जरूरी नहीं कि हम दोनों एक्सिस के थ्रू एरिया फाइंड कर सकते हो। जिस तरह का आपका फिगर बनता है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए जो इजी गोइंग वे है उससे हम एरिया फाइंड करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए आप, फिगर बनने के बाद में हमारे लिए जो इजी गोइंग होगा एरिया फाइंड करने के लिए हम उस एक्सिस के अलोंग एरिया फाइंड करेंगे। अब इसके बाद में मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी 2-3 टाइम आ गया है। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, मैं ले लू नेक्स्ट पेज। एट में से आप माइनस कीजिए। अब ये पैराबोला के थ्रू जो एरिया, जो वर्टिकल लाइन वाला एरिया, ये माइनस करना है हमें, तभी तो मेरा बाउंडेड रीजन मिलेगा पैराबोला और लाइन के थ्रू, फिर उसका डबल करूंगा मैं। अब ये जो पैराबोला के थ्रू जो एरिया निकल रहा है उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो तो आपने कर दिया कि रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा एट, वो तो दिख रहा है 2x है, y 4 है हमारे पास, 4 2 8 हो गया, तो वो इस तरह निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है, कर सकते हो, मेरी तरफ से तो कोई बाउंडेशन नहीं, फिर भी एक बार मनोज जी से पूछ लेना, वैसे कर ही रहे हैं दूसरे भी कर ही रहे हैं, या तो कुछ कहो मत, जो आपको करना है कर लो। मैं एग्जाम्पल 4 की बात करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। मैं इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई इक्वल टू एक्स के थ्रू और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो पहले सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लीजिए आप, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, और इसके ये 4 पार्ट मैंने कर दिए। ये रफ डायग्राम है, इसलिए कहीं कोई सोचना नहीं है कि सर ये कैसा बन गया कैसा हो गया, कुछ नहीं सोचना है ज्यादा अपने को। फिगर बना दिया आपको रफ डायग्राम बना के, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कुचुड़ मुचुड़ कर दो आप, थोड़ा ठीक ठाक बनाइएगा। ये क्या हुआ यार, इसको ऊपर ले जाऊं, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी ये। क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहली चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट
उसमें एक्स एक्सिस, तो ये आपकी एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई इक्वल टू एक्स आपकी जो लाइन दे रखी है उसके थ्रू, और सर्कल जो कि ये पार्ट आपको दे रखा है, इनसे बाउंडेड रीजन मुझे फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर देखिए, एक तो स्ट्रेट लाइन आ गई है वाई इक्वल टू एक्स, और यहां कर्व शेप में आ गया, तो मैं एरिया एकदम जज नहीं कर सकता, इसलिए पहले यहां इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करूंगा मैं। देखिए यहां पे देखो सर्कल क्या गिवन था हमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड वाई इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू एक्स पुट कर दीजिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू भी 4, तो पहले हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने होंगे यहां पर, तो एक तो हो जाएगा आपका प्लस 4 और एक हो जाएगा माइनस 4 एंड 4, इसको तो लेने की जरूरत नहीं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 4 4। इस 4 4 से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0, और जो हमारा रेडियस था वो था 32, तो 32 का मतलब हो गया 16 × 2, तो 4√2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4√2, 0। तो देखिए 0 से लेके 4 तक तो मेरे पास में y वाली लाइन है, और 4 से लेके 4√ तक कर्व जो मुझे दे रखा है वह है सर्कल, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 0 to 4 y1 dx प्लस, अब यहां कहीं को डबल नहीं करना है ना, 4 times करना है आपको, यहां सिंपल उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें भी एक्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स एंड सर्कल से बाउंडेड रीजन। अब उसके अंदर है 4 से लेके 4√2 तक ये y2 dx। अब y1 लाइन से डिफाइन है, इट मीन्स वैल्यू लिख दीजिए, ये हो जाएगा 0 to 4 y इक्वल टू x dx प्लस 4 4√2, और y2 का मतलब हो गया हमारे पास में कर्व सर्कल से, सर्कल से y की वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब तो कोविड का ट्रीटमेंट भी शुरू होने लग गया है, एक में डोज आ गया है कोविड का, मतलब वैक्सीन आ गई अब तो, और ज्यादा ज्यादा जनवरी में लगना शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता इंडिया में, इसलिए कैंसिल तो हो ही नहीं सकता एग्जाम। जीरो टू फोर, और अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, प्लस 32, इट मीन्स पहले तो वही x बाई 2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन 4√2, और ये 4 to 4√2 लिमिट पुट कर दीजिए यहां पर, ये तो हो जाएगा 16 अपॉन 2 मीन्स 8 प्लस 4√2 अपॉन 2, और 4√2 यहां डालेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां 4√2 डाला तो ये हो गया आपके पास में 16, 32 अपॉन 2 मीन 16, और साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2, अब माइनस साइन,
अब लोअर लिमिट पुट करेंगे हम, 4/2, 2, 32 - 16, रूट 16 मीन्स 4 प्लस 16 साइन, और यहां आपने पुट किया x की जगह 4, तो 4/4 √2 मीन्स 4 कैंसिल, साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो गया, पाई बाय 4। तो ये हो गया 8 + 8π - 8 - 4π, तो ये आ जाएगा आपका 8 - 4, 4, 4π, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, फोर फोर रूट टू जो अपन ने लिखा, इसने कहा है, सुनो मेरी बात, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन का है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, अब वो किससे बाउंडेड होना चाहिए, वो उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, यदि ऊपर वाला लेते हो तो वाई एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस ये हो गई आपकी, ठीक है, एंड वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स आपने लाइन ड्रॉ कर दी, और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो हमारे पास ये तो रीजन बना ना, ये वाला ही। ऐसे थोड़ी होता है उसमें, वो जब तक आपको वो रीजन शो नहीं करेगा कैसे आप सोल्व कर पाओगे उसको। अपन ने थोड़ी माना है, क्वेश्चन में लिखा है बेटे, क्वेश्चन में देगा वो बिल्कुल क्लियर करेगा ये चीज, इसलिए बिल्कुल भी डाउट में मत आइए आप। नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं देगा, कभी भी कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरी बुक में देख लेना आप, या मतलब पूरे चैप्टर में देख लेना, कहीं पे भी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे आपको आधे अधूरे, ठीक। ओके ओके, इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इंटीग्रेशन ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है आपने, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूले मैंने लिखाए थे। हो ही नहीं सकता, कुछ और कैसे दे देगा, जो बोला है वही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही दे रखा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहेगा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस दिस, वो तो चैप्टर यहाँ पे है इसलिए हमें ऐसा लिखा हुआ नहीं मिल रहा है क्या, क्योंकि चैप्टर ही वही चल रहा है क्या, परंतु एग्जाम में बिल्कुल इस तरह लिखा हुआ आता है यूजिंग। अब आप चाहो तो इसका एक क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा, मैं बता दूं आपको, ये पेज नंबर 370 पर एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा हुआ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर
दिस 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 वो तो देखो जो लिमिट आपको फाइंड करनी है उसके लिए तो आपको इस तरह सोल्व करके देखना ही पड़ेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट आपको निकालने ही पड़ेंगे। अब मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूं, 8.1 की बात कर लेते हैं अपन। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, मैं इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। हमें कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और दे रखी है लिमिट x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज भी क्लियर लिख रखी उसने, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो कहना है मतलब कुल मिलाकर हमारे पास ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर हमें जो पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, उसमें 2 से लेके 4 तक का एरिया निकालना है। फिगर यदि हम बनाएं तो उसका फिगर ऐसा हो जाएगा। ये इस तरह का फिगर होगा हमारा। अब 2 से लेके, ये 2 से लेके मैंने 4 तक ये जैसे ये ले लिया सपोज, ये पॉइंट तो हो गया मेरे पास में 20 पॉइंट और ये हो जाएगा 40 पॉइंट। तो x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक कहना मतलब मुझे ये वाला रीजन चाहिए ओनली, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का। वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात भी नहीं कर रहा है आपसे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां सिंपल हम लिख देंगे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू 4, एक्स एक्सिस के अलोंग हम निकाल सकते हैं तो 2 टू 4 वाई डी एक्स बस वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे 2 टू 4 वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 रूट एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप 3 एज इट इज 2/3 और x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 2 टू 4। पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए आप तो ये 2 अपर लिमिट पुट की तो 4 रूट 2 तो 4 2 जा 8 माइनस 2 पुट किया तो 2 रूट 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 तो कॉमन ले लीजिए आप ये हो जाएगा 4 और 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट। अब बाकी अब वो जैसे x एक्सिस लिखना है y एक्सिस लिखना है वो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कर्व के भी चाहो तो लिख सकते हो आप y स्क्वायर इक्वल टू 9x और ये हो गया x इक्वल टू 2 और ये हो गया x इक्वल टू 4। ये चीजें लिख सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, y एक्सिस से कैसे निकालेंगे वो तो यहां बिल्कुल कह रहा है कि x एक्सिस से बाउंड पहली चीज। अब उसके लिए याद है मुझे क्या करना पड़ेगा मैं देखो इसका इस फिगर को वापस बना रहा हूं यहां पे। इट मीन्स मुझे कौन सा रीजन चाहिए, देखिए ये मैंने एल्टीट्यूड डाला इसका और इसका भी ये एल्टीट्यूड डाला मैंने यहां पर। पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले रेक्टेंगल से नीचे वाला रेक्टेंगल माइनस करूंगा, फिर इस वाले कर्व को से ये वाला एरिया बिटवीन जो है यहां पे वाई एक्सिस पे
ये एरिया माइनस करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा, तो मैं इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करूंगा, मेरे लिए तो जो इजीएस्ट होगा वो करेंगे हम यहाँ पर। देखिए जो पैरा यहाँ पे जो फिगर बनाने हैं आपको, रफ फिगर बनाने, कोई मेजरमेंट ले लेके यहाँ कोई स्केल लेके आपको ग्राफ नहीं बनाना है बेटे, यहाँ पे रफ फिगर ही बनेंगे आपके। यदि आप उसके स्केल वगैरह लेके ग्राफ बनाने लग गए तो फिर तो हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं अपन। इसमें देखा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, और एलिप्स की भी ना हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। पहले तो इसका फिगर बना लीजिए आप, ये हो जाएगा हमारे पास में एटमीन्स यहां पे जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बन रही है, ठीक है। ये वाई, ये फोकाई हो गई हमारे पास में, और ये वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स होगा 4 0, ठीक है 16 है तो ए स्क्वायर मीन्स ए, और ये हो जाएगा -4 0, ये पॉइंट होगा आपका 0 3, और ये होगा आपका 0 -3, ये ओरिजिन हो गया। अब मुझे जो यहाँ पे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, इलिप्स से बाउंडेड रीजन हमें निकालना है, तो यहां पे जो देखो ये सिमेट्रिकल फिगर है हमारे पास में, एक्सिस पे सिमेट्रिकल फिगर है, तो इट मींस ईच क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो सेम होगा यहां पर, ठीक। तो मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, अब वो चाहे आप एक्स एक्सिस के थ्रू निकालें या वाई एक्सिस के थ्रू निकालें, एरिया सेम ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं कि अलग अलग होगा। अब मैं पहले एक्स एक्सिस के थ्रू लेके बताता हूं, एरिया इक्वल टू 4 टाइम ऑफ 0 to 4, 0 से लेके 4 तक का मैं इस कर्व का इंटीग्रेशन कर दूंगा, उसका 4 टाइम कर दूंगा, तो पूरे एलिप्स का एरिया निकल जाएगा, ठीक। वाई डी एक्स 4 टाइम 0 to 4, अब उससे y की वैल्यू निकालिए आप, 1 - x² / 16, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16 - x² / 16, 9 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए और फिर y का स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 - x². बात क्लियर है। ये y की वैल्यू आपने निकाली, y की जगह पे डाल दीजिए 3/4 रूट 16 - x² dx, 4 कैंसिल कर दीजिए, 3 को बाहर लीजिए और अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो वो इंटीग्रेशन होगा x अपॉन 2 अंडर रूट 16 - x² प्लस a स्क्वायर मीन 16/2 साइन इनवर्स x upon 4, और लिमिट 0 to 4, ठीक। ये तो हो गया along x axis। हम इसका एरिया निकाल रहे हैं बस केवल, और उसका 4 टाइम कर रहे हैं, तो चारों का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालिए आप, 3 पहले 4 पुट किया तो 16 - 16 0, तो फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया, 16/2 8, 4 पुट किया साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस 0 पुट किया तो फर्स्ट पार्ट 0, साइन इनवर्स 0 मिस 0, तो ये 0, और ये हो गया हमारे पास में 4 3 = 12 π, ठीक है। अब इसी का एरिया हम वाई एक्सिस के थ्रू भी निकालते हैं, तो a इक्वल टू 4 टाइम 0 टू 3,
जीरो से लेके थ्री तक में इस कर्व का एरिया निकाल रहा हूं मैं। कर्व क्या आ गया, वही इलिप्स, ठीक है। ये जीरो से लेके थ्री तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसे एक्स डी वाई। तो यहां आप एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, आप जीरो टू थ्री एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका फोर बाय थ्री और अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और अब इसी का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये तो हो गया 16 अपॉन 3 एक्स, तो वाई अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स वाई अपॉन 3 और लिमिट 0 टू 3। 3 पुट किया तो फर्स्ट पार्ट 0 और सेकंड पार्ट आपका आ जाएगा 3 अपॉन 3 साइन इनवर्स 1 9 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 0 पुट किया तो फर्स्ट पार्ट 0 सेकंड पार्ट भी 0, ये खत्म हो गया साहब, ठीक। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, 4 से 16 4 टाइम, 9 से 3 3 टाइम हो गया और सोल्व किया तो 12 पाई से भी आ गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन यहां पे पॉसिबल था और आपने कर भी लिया ये। अब क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं यहां पर, मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, है ना, लास्ट पेज। अब मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। अब उसमें स्मॉलर पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो पहले हम पहले एक फिगर बनाएं इसका, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा स्मॉलर कौन सा बिगर पार्ट है हमारा यहाँ पे। हमें सर्किल दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो यहां पे एक्स इक्वल टू जो दे रखा है वह है ए अपॉन रूट टू, एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। अब यहां पे जीरो से लेके और जो यहां तक की लेंथ है वह है वन टाइम ऑफ ए, ये बात क्लियर है। जीरो से लेके जो इटमिस जो इसकी रेडियस है वह है ए लेंथ की, और जो यहां एक्स दे रखा है वह है ए अपॉन रूट टू टाइप। तो ए अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। ठीक, अब इसको यदि हम यहां पे डिवाइड करें, देखो डिवाइड भी मैं यहां कर देता हूं आपको 1000
1414, पॉइंट लगाया जीरो, कितना आ गया 0.7, बिल्कुल 0.7। 0.7 से ये जो लाइन आपकी है वो 0.7, पूरा 1 है और ये 0.7 है आपके पास में, यहां से ये लाइन पास हो रही है। तो अब इसमें स्मॉलर पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास में, ये वाला रीजन हमारे पास स्मॉलर पार्ट हो गया। इट मीन्स हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब इट मीन्स मुझे कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, 0.7, इट मीन्स ए अपॉन रूट टू से लेकर ए तक का इंटीग्रेशन मुझे करना है। ये लिमिट हो गई मेरे पास में, और उसका भी मुझे डबल करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों का एरिया मुझे निकालना है यहां पर। ठीक, तो एरिया इक्वल टू यहां हो जाएगा ट्वाइस टाइम ए अपॉन रूट टू टू ए वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा टू इंटीग्रेशन ए अपॉन रूट टू टू ए, वाई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, वही एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट ए अपॉन रूट टू टू ए। अब पहले तो ए पुट कीजिए यहां पर, ए पुट करेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके अंदर जो बचेगा वो होगा ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए वन, साइन इनवर्स वन मीन्स पाई बाई टू माइनस, अब ए अपॉन रूट टू पुट कर रहा हूं मैं यहां पर, तो वो देखिए आप ध्यान से, ए अपॉन रूट टू तो ये हो गया अपने पास ए अपॉन टू रूट टू, एक्स स्क्वायर मैंने ए अपॉन रूट टू पुट किया इट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू मीन्स हो गया अपने पास ए स्क्वायर अपॉन टू इट मीन्स ए अपॉन रूट टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, और साइन इनवर्स में मैंने एक्स की जगह पर ए अपॉन रूट टू पुट किया तो साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, और साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू मीन्स पाई बाय फोर, ये पाई बाय फोर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ए स्क्वायर पाई अपॉन फोर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन एट। तो ये हो जाएगा टू टाइम ऑफ ए स्क्वायर पाई अपॉन एट माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक, और यहां सब कॉमन ले लीजिए आप, ए स्क्वायर अपॉन एट कॉमन ले लीजिए आप, तो ये रह जाएगा पाई माइनस टू। ठीक है, टू से ये फोर टाइम कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर पाई माइनस टू। ठीक है, कैसे निकालोगे बिना बिना डिवाइड किए हुए? आप वही कहता है कि सर्किल को यदि एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू कट करे तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, ये कहना है क्वेश्चन का। ठीक,
तो पहले हमें ये तो जज होना है कि हमारे रेडियस का कितना पार्ट है ये a अपॉन रूट टू, हेलो हाँ हाँ इसके अंदर इसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है ना, तो भैया डबल मत करो, हाफ रहने दो, मैंने यहाँ सूर्य डबल कर दिया। हाँ नहीं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, यहाँ डबल कर दिया ना मैंने। क्वेश्चन अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स दे दिया मैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स दे दिया मैं सॉरी, यहाँ टू ही रहने दो यहाँ पे तो। हाँ यहाँ पे तो बिल्कुल आपको यही निकालना पड़ेगा पूरा रीजन, ठीक। हाँ 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 भाई भाई यहाँ पे तो यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे, कुछ नहीं दे रखा है तो जितना एरिया बनता है वो निकालेंगे। हाँ 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 वो तो जो हम लिमिट ले रहे हैं उसके हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेके चलते हैं, ठीक। अब उसके बाद करें हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एट भी लीजिए। ये कहता है द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू फोर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर एट y स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये तो हो गया हमारे पास में पैराबोला along x एक्सिस, और x इक्वल टू फोर ये हमने ले लिया, x इक्वल टू फोर ये लाइन ले लिया हमने x इक्वल टू फोर, ठीक है। और इसमें दे रखा है डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए एक लाइन यहां आपने ड्रॉ करनी है, इट मीन्स उस लाइन में a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि x इक्वल टू हम क्या लेकर चलें कि इस पैराबोला के यदि हम वर्टिकली टू पार्ट कर दें इक्वल तो a की वैल्यू क्या हो। ये बैक पेज अभी मैं लिख के बताता हूं, देखिए हो गया ये कंप्लीट। देखिए इसमें हमारे पास में ये जो लाइन है वह है एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन, मैं एरिया निकाल रहा हूं यहां पर, ये वाला पॉइंट तो है मेरा 40 और ये वाला पॉइंट है ए 0, ठीक है, और ये 0 पॉइंट है इसे, तो यहां हो जाएगा हमारे पास में यदि मैं यहां नेमिंग करूं, चलो नेमिंग करके भी मैं बता देता हूं, ए बी सी डी ये लिया मैंने, तो एरिया ऑफ ओ ए डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ये दोनों इक्वल है यहां पर, मतलब एक्स इक्वल टू एक ऐसी लाइन है जो इस पैराबोला के टू इक्वल पार्ट कर देती है एरिया में, तो मैं यहां ले रहा हूं एरिया इक्वल टू
जीरो टू ए वाई डी एक्स, और वो भी क्या टू टाइम एरिया ऑफ ओ ए डी ओ, यदि मैं निकालता हूं तो यहां क्या होगा, जीरो टू ए इस पैराबोला का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे वाई डी एक्स कर रहे हैं, तो ट्वाइस टाइम ऊपर नीचे दोनों का, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों का आएगा, और ट्वाइस टाइम ए टू फोर ए से लेके फोर तक, मैं यहां पर भी पैराबोला का कर रहा हूं मैं, इट मीन्स वाई डी एक्स, तो टू टू तो बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए आप जीरो टू ए वाई, यहां पे पैराबोला क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स डी एक्स, और इस साइड में वाई की वैल्यू हम लिखेंगे ए टू फोर रूट एक्स डी एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। ये हो जाएगा टू बाय थ्री इंटीग्रेशन एक्स एस टू पावर थ्री बाई टू एंड जीरो टू ए, और इस साइड में हो जाएगा हमारे पास में वही टू बाय थ्री एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू होल रेस टू पावर ए टू फोर, टू बाई थ्री बाय टू बाई थ्री बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हो जाएगा ए रूट टू ए रूट ए इक्वल टू, इस साइड में होगा हमारे पास में पहले फोर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एट माइनस ए पुट करेंगे तो ये होगा आपका ए रूट टू रूट ए, इसको उधर ले जाइए ये हो जाएगा हमारे पास में ट्वाइस टाइम ए रूट ए इक्वल टू एट, ठीक, और इट मीन्स ये हो जाएगा ए की पावर थ्री बाई टू, कहना है मतलब, तो ये हो जाएगा ए रेस टू पावर थ्री बाई टू इक्वल टू फोर, टू से डिवाइड किया एट को फोर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा फोर रेस टू पावर टू बाई थ्री, ठीक है, कितना बढ़ गया, बस आज की सवाल यही समाप्त, ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।